दोस्तों फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 6 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको इस सेल में नहीं करनी है, अदरवाइज आपका जो पैसा है वो यहां पर वेस्ट हो सकता है और आप सेल में एक प्रॉपर डील नहीं ले पाएंगे। अब यहां पर वो क्या 6 गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहली गलती, अगर बेसिकली अगर आप एक स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो स्मार्टफोन में बेसिकली सेल में काफी भयंकर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और अभी आप अगर गौर करेंगे फ्लिपकार्ट की बेसिकली सेल में, तो यहां पर जो 4G स्मार्टफोन है, जो ओल्ड 4G स्मार्टफोन है, उन पे दबा के डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब यहां पर डिस्काउंट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कंपनियों को पता है कि 5G आने वाला है और यही 2-3 महीने बाद जब 5G दिल्ली वगैरह में रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब लोगों को लगेगा कि नहीं 5G आ रहा है तो 4G फोन कोई लेगा ही नहीं, तो वो फोन करेंगे क्या। इससे अच्छा फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल है, डिस्काउंट दे देके पूरा खाली करो स्टॉक, पूरा स्टॉक निकालो। आपको ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो एक 5G स्मार्टफोन पे करना है। तो बेसिकली अगर आप दिल्ली वगैरह से रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज से रह रहे हैं, तब तो आपको 4G स्मार्टफोन लेना ही नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं लेना है, चाहे उस पर कितना भी डिस्काउंट दे दिया जाए। अगर आप 4G स्मार्टफोन लेते हैं तो 2 महीने बाद फिर से आपको 5G स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों अगली प्रॉब्लम ये है कि रेडमी और रियलमी के जो नंबर सीरीज के स्मार्टफोन है, इन पे दबा के डिस्काउंट दिया जा रहा है इस सेल में, चाहे वो Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन या फिर Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि अभी वर्किंग कंडीशन में है, आपका काम चल रहा है, तो आप बिल्कुल भी इन जो ओल्ड सीरीज के स्मार्टफोन है, Realme 9 या फिर Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन, इनको आप परचेज ना करें। आप वेट करें Realme 10 सीरीज के स्मार्टफोन का और Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन का। ये स्मार्टफोन बड़ी जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, 2 से 2.5 महीने के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च भी हो जाएंगे, तो ऐसे में आप इन स्मार्टफोन में फोकस करें, ना कि आप यहां पर ओल्ड स्मार्टफोन के साथ में जाएं। हाँ, आपको बहुत ज्यादा नीड है, अगर आपका फोन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो फिर ले लीजिए Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन या फिर Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन। लेकिन Realme 9 Pro लेने से पहले मैंने एक पहले वीडियो बनाई है इसके पहले वाली अपने चैनल पे, उसको जरूर से देखिएगा लेने के लिए सोचेगा। दोस्तों अगली गलती ये आपको नहीं करनी है कि फ्लिपकार्ट भी क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों लोग यहां पर प्री बुकिंग करवा रहे हैं अपने स्मार्टफोन्स की, अपने प्रोडक्ट की प्री बुकिंग करवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सेल में आपको गारंटीड स्टॉक देंगे। प्री बुकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो स्मार्टफोन, जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पे आपको प्री बुकिंग नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत किलर डील है, इसका जो स्टॉक है वो खत्म ही हो जाएगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में अगर आपको डर है तो कर सकते हैं, लेकिन प्री बुकिंग मत करना। प्री बुकिंग के बाद में क्या होता है कि प्री बुकिंग अभी आप जिस प्राइस पॉइंट पर करेंगे, सेल स्टार्ट होने के 2-3 दिन बाद प्राइस जो है वो अभी से भी जिस प्राइस पॉइंट पर आपने प्री बुक किया है उससे भी ज्यादा प्राइस ड्रॉप होती है, तो ऐसा बहुत बार हो चुका है, मैंने कल भी आपको बताया था। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सेल में डिस्काउंट होते हुए भी, तो प्री बुकिंग को अवॉइड करें। दोस्तों अगली गलती आपको ये अभी नहीं करनी है कि आप देख पा रहे होंगे कि जिस टाइम पे जिन स्मार्टफोन की प्राइस कट लिस्ट आ रही है, यानी जिन स्मार्टफोन की जो प्राइसेस हैं वो रिवील हो रही हैं सेल के लिए, उसी दिन से रिवील होते ही जो स्मार्टफोन वगैरह हैं वो यहाँ पर सेल में लाइव हो जा रहे हैं, आप उसी प्राइस पॉइंट पर खरीद पाएंगे। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सेल स्टार्ट होने वाली 23 सितंबर से, तो आपको 23 सितंबर का ही वेट करना है, उसके बाद ही स्मार्टफोन को लेना है। सेल से पहले स्मार्टफोन को मत लीजिएगा, आपको घाटा हो सकता है। सेल में चांसेस रहता है कि सेल स्टार्ट होने के 1-2 दिन बाद प्राइसेस और भी ड्रॉप होती हैं, ये देखा गया है, तो सेल के पहले स्मार्टफोन को परचेज ना करें। दोस्तों अगली गलती आपको ये नहीं करनी है कि सेल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वेट करते हैं कि हम सेल के लास्ट दिन स्मार्टफोन को खरीदेंगे, मतलब सेल लास्ट हो रही है, सेल 30 सितंबर को खत्म हो रही है, तो हम 30 को ही खरीदेंगे। ऐसी गलती मत करना, कुछ नहीं मिलेगा, जो छोड़ा हुआ रहेगा ना, मतलब वहीं आपको मिलने वाला है, तो ऐसी गलती मत करना वरना स्टॉक नहीं बचेगा। और आपको ऐसा भी देखा गया है कि सेल के लास्ट जाते जाते प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो सेल के मिड में शॉपिंग करिए। सेल स्टार्ट होने के 1 से 2 दिन या 3 दिन, बहुत ज़्यादा 4 दिन, इसके बीच में शॉपिंग कर लीजिए, वहीं बेटर है। दोस्तों छठवीं गलती आपको ये नहीं करनी है कि सेल में ज़्यादातर जो डिस्काउंट है वो बेसिकली बैंक के कार्ड पे देखने को मिल रहा है। अब ICICI बैंक का कार्ड अगर आपके पास में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हैं तो SBI बैंक का कार्ड अगर आपके पास में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर दिक्कत है। और दिक्कत का सॉल्यूशन यह है कि आप कहीं से भी पता करिए अगल बगल आसपास में,
आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी पता करिए और एक कार्ड ढूंढ करके लाइए जो कि SBI का हो या फिर ICICI बैंक का हो, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लेने की कोशिश करिए, क्योंकि कार्ड अगर आप एक बार लगा देते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। पूरा कार्ड का ही खेल है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट कार्ड पे ही है, डायरेक्टली प्राइस कट बहुत कम है। तो आपको ये 6 गलतियाँ नहीं करनी है अगर आपको सेल में एक अच्छी प्राइस पॉइंट पर एक बेस्ट डील चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन चीज़ों के बारे में, अपना ओपिनियन हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलेगा दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।